बेगूसराय जिले के लोगों को अब जल्द ही अतिक्रमण से तथा जाम से मुक्ति मिलने वाली है। इसको लेकर जिला प्रशासन तथा नगर निगम ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में आज बेगूसराय के डीएम राहुल कुमार के आदेश पर जिला प्रशासन ने शहर के सभी प्रमुख मार्गों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। इस दौरान जिला प्रशासन के जवान तथा नगर निगम के कर्मचारी सड़क किनारे अवैध तरीके से लगाए गए दुकानों को खाली कराने में लगे रहे, तो वहीं अवैध पार्किंग कर गायब हो गए लोगों के बाइक तथा अन्य वाहनों को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। दरअसल जिला प्रशासन को आम लोगों के तरफ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा सड़कों पर जबरन दुकान लगा दिया जाता है, जिससे बाजार करने आए लोगों को एवं आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, नगर निगम के द्वारा बड़ी संख्या में रिक्शा को चलाने की इजाज़त दे दी गई है, जिस वजह से हर वक्त सड़कों पर जाम का आलम बना रहता है। परिणाम यह होता है कि लोग 10 मिनट के काम के लिए घंटों अपना समय बेवजह बर्बाद करते हैं। इन्हीं शिकायतों के आलोक में डीएम राहुल कुमार ने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की तथा शहर को अतिक्रमण तथा जाम से मुक्त कराने के लिए सभी कारगर कदम उठाने का निर्देश दिया। अब दूसरी कड़ी में रिक्शा चालकों का रूट निर्धारित किया जाएगा, जिससे शहर में जाम की समस्या खत्म होगी। फिलहाल जिला प्रशासन ने दावा किया है कि अभी यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए जो अवैध पार्किंग कर दिया जा रहा है नियमित रूप से, उसको हम लोग नियमित रूप से अब आगे चलाते रहेंगे सरकार ड्राइव, ताकि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है शहर में जहाँ तहाँ वाहन को लगा देना ई रिक्शा के द्वारा या साइकिल मोटरसाइकिल या कार, इन सब से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और भविष्य में इसको नियमित रूप से चलाया जाएगा। जो ठेला वाले हैं या फिर जो फेरी वाले हैं, उसको नगर निगम के द्वारा जो नियमानुसार उनका जुर्माना है। के लिए क्या उपाय है? अब आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगातार हम लोग के द्वारा चलाया जाएगा और ये